दो बातें एक साथ बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। उन डॉक्टर के, एमबीबीएस डॉक्टर थे, उनकी जेब में एक सज्जन ने आकर 3,000 रुपए रख दिए ऊपर के पॉकेट में। डॉक्टर साहब ने उन 3,000 रुपए को स्वीकार तो कर लिया, क्या पीछे से जिस व्यक्ति ने 3,000 रुपए रखे उस व्यक्ति ने एक कार्टून, उस कार्टून में 50 बोतल सिरप की थी। सुन रहे कि नहीं? 3,000 रुपए एमबीबीएस डॉक्टर के पॉकेट में रख दिए और एक कार्टून जिसमें 50 बोतल सिरप की थी। वो सुना रहा मुझे पूरी कहानी, वो आपके सामने रख रहा हूं, सत्य घटना है ये, और यहीं की, बुंदेलखंड की। सागर के पास का वो गांव था, नगर था, बताऊंगा नहीं उसका नाम। तो रो क्यों रहे हो, 3,000 तो मिले ना तुम्हें? महाराज जी मैं सुना रहा हूं। सुनाया क्या? उस व्यक्ति ने 3,000 जेब में रखकर बोलता है, महाराज जी डॉक्टर साहब ये 50 बोतल सिरप की हैं, यहाँ के 5 मेडिकल में मैंने 10-10 रख रहा हूं, यहां से जाके 120 रुपए इस पर रेट डला है। ये सत्य घटना है, दो बातें एक साथ हैं, ध्यान से सुनना। 120 रुपए उस पर रेट पड़ा है, बोतल सिरप की है, 3,000 मतलब 60 रुपए प्रति बोतल डॉक्टर साहब की जेब में पहले रख दिए। अब रेट पड़ा है 120, 60 तो डॉक्टर के हो गए, अब बचे कितने? 60। मेडिकल वाले को जिसको दी उसको 30 रुपए में दी, रेट पड़ा है 120, 60 डॉक्टर के, 30 मेडिकल वाले के, अब बचे कितने? 30। अब उस व्यक्ति ने उस 30 में पहले से एडवांस दिए डॉक्टर को, ये भी उसकी एडवर्टाइजिंग भी की होगी, वो भी उसमें पैकिंग की, उसमें लेबल लगाया, टैक्स भी भरता होगा, ये भी, और वहाँ से यहाँ तक जो ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज खर्चा वो भी, और जरूरी नहीं कि 2-4 बच भी जाती होंगी, ये सब। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, पहले तो दो बातें हैं ना कहा, उसमें माल कितने का होगा? क्योंकि वो डबल तो कर रहा होगा, जो इतना कर रहा है वो डबल तो करेगा कि नहीं? तो कम से कम 15 के 30 तो वो कर रहा होगा, अब बचे 15, और 15 में सारे खर्च काट के 15 की होगी चीज, तभी तो वो डबल करेगा। मैं खर्च के डबल तो करेगा नहीं, सारे खर्च काटने के बाद मेरे डबल होने चाहिए। तो 120 में से 60 तो हो गए डॉक्टर के, और 30 हो गए मेडिकल वाले के, और 30 में से वो डबल कर रहा है, तो 15 रुपए मैं सारे खर्चों के और मैं मटेरियल के 15 रुपए की वो चीज होनी चाहिए, 15 से ज्यादा की भी तो डबल नहीं हो पाएंगे। तो अब उस 15 में उसके सारे खर्च मिटा दो, उस बॉटल की कीमत, उसमें जो कुछ मिलाया है वो। अब हम ये पूछना चाह रहे हैं, उस सिरप में होगा क्या? अगर उसने शक्कर भी घोल के पिलाई मिलाई होगी तो भी 15 रुपए तो खर्च आ जाएगा, केवल शक्कर मिलाई होगी तो, प्योर शक्कर। 3 रुपए भी मुझे ज्यादा लग रहा है, समझ में आ रही बात? मतलब ये सत्य घटना है। तो मैंने पहले तो ये पूछा, मुझे ये बताओ, वो बाद की बात है, रोना गाना वो तो हम बाद में सुनेंगे, मुझे पहले ये बताओ उसमें है क्या और आप उसका करते क्या हो? महाराज जी कुछ नहीं है उसमें, घोल देते हैं बस, 120 रेट पड़ा है। और डॉक्टर को, तो भैया तुम्हें पैसा क्यों दिया उसने? तो पहले तो हमने ये बता दी कि उस सीरप में होता क्या है। तो हमने कहा एक ही डॉक्टर है, दूसरे के यहाँ जाएगा तो? महाराज जी दूसरे डॉक्टर का सीरप का ब्रांड अलग है, 5 डॉक्टर 5ों का अलग है। जो कंपनी वाला मेरे पास आएगा वो दूसरे के पास नहीं जाएगा, दूसरे वाले तीसरे के पास नहीं जाएगा, और मैं लिखूंगा वो मेडिकल 5 अलग, कहीं भी रख दे जो मैं लिखूंगा वो किसी भी मेडिकल पर जाएगा, वो फिक्स हो गया। पहले मेरे पास 60 उसके आ चुके हैं। तो ये तो हो गई एक बात कि उसमें होगा क्या। अब दूसरी बात, भैया मुझे तुम ये बताओ, तुम लिखते किसको हो? महाराज जी मैं इतना तो ईमानदार हूं, देख लेता हूं जिसके जेब में, जिसके हाथ में सोने की अंगूठी होती है, जिसके गले में सोने की चैन होती है, लिखता उसी को हूं, इतना तो ईमानदार हूं। ये हाल है। तो मैं ये कहना चाह रहा था,
उसने वो 3,000 रुपये जेब में रख लिए, लेकिन उसे आनंद नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो अपनी नजरों में अच्छा और लोग उसके पास जा रहे, डॉक्टर साहब इतने अच्छे हैं पूछो मत, सब उसको अच्छा समझ रहे। जैसे लोग बोलते होंगे उससे, डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे हैं, उसको ऐसा नहीं लगता होगा किसी ने चांटा लगा दिया। कैसा लगता होगा अंदर से सोचो। क्यों? क्योंकि उसे पता है मेरी औकात क्या है। जो बॉटल हम लिख रहे हैं इसके 60 हम पहले खा चुके हैं। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, आप दुनिया की नजरों में अच्छा बनने का प्रयास मत करो। तो क्या करें महाराज, आप ईमानदार बन जाओ, नीतिवान बन जाओ, सज्जन बन जाओ, नेक बन जाओ, अच्छे बन जाओ। दुनिया आपको क्या समझ रही है समझने दो। आप अपनी नजरों में अच्छा बन जाएंगे, आपको अपना आनंद आना शुरू हो जाएगा और धीरे 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 वह महक सब जगह फैलेगी, पूरी दुनिया की नजरों में आप अच्छा बन जाएंगे। थोड़ा देर लगेगी, ये बात अलग है, बार बार कह रहा हूं।